सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखं भवेत्। और मैंने आपको सूत्र बताए थे 4-5, उनको अगर जीवन में उपयोग करो तो रोग होगा ही नहीं। औषधि तो तब लेनी है जब रोग आएगा, रोग आएगा ही नहीं ऐसा कुछ करो तो औषधि की जरूरत नहीं पड़े। तो वो 4 सूत्र थे, आपको याद है? याद है जो बताए थे? पहला सूत्र ये, औषधि लेनी ना पड़े, रोग आएगा नहीं, उसका पहला सूत्र भोजन के बाद पानी नहीं पीना, 1 तास बाद पानी पीना। दूसरा सूत्र, भोजन के बाद कुछ पीना हो तो ताक पीना, दोपहर को, रात्रि को पीना दूध। तीसरा, जब भी पानी पीना हो तो घूंट भर भर के पानी पीना, 1 साथ गटगट गटगट पानी नहीं पीना। चौथा सूत्र, पानी कभी ठंडा नहीं पीना, फ्रिज में निकाला हुआ बर्फ डाला हुआ पानी कभी नहीं पीना। ये 4 सूत्र थे मुख्य। पांचवा था, सवेरे सोकर उठे तो संडास जाने से पहले पानी पीना, कम से कम 3 गिलास। फिर एक छठा सूत्र था कि खाना जब भी खाएं तो जमीन पे बैठ के खाना, खड़े होके नहीं। और इसका उल्टा सूत्र है, दूध कभी भी पीना तो खड़े होके पीना, बैठ के नहीं। फिर आ एक सूत्र है, पानी कभी भी पीना तो बैठ के ही पीना। और आपको बताया, पानी पीते समय ताड़ू पे लगना चाहिए, ऐसे पानी पीना। तो ताड़ू पे नहीं लगता तो क्या करना, मुंह में भरना, उसको घुमाना तो लगेगा ताड़ू, और नहीं तो ऐसे झुककर पानी पिएंगे तो बराबर ताड़ू पे लग के अंदर जाता है। फिर एक सूत्र बताया, दोपहर का भोजन करें तो 20 मिनट विश्राम करना, बाई करवट लेटकर, लेफ्ट साइड में लेटकर। रात्रि को भोजन किया तो 1000 कदम पैदल चलना, फिर उसके बाद विश्राम करना। सवेरे का भोजन 9 बजे करना, शाम का भोजन 6 बजे करना। तो ये छोटे छोटे सूत्रों का पालन अगर आप करो तो बीमारी नहीं पड़ोगे, बीमार नहीं पड़ो तो औषधि का चक्कर नहीं, झंझट नहीं। और जो कभी बीमारी आ गई तो गोमूत्र जिंदाबाद, टैक्स फ्री, कॉस्ट फ्री, साइड इफेक्ट नहीं, एक्सपायरी डेट भी नहीं, ठीक है। बस सावधानी इतनी कि गांव रानी गाय का हो, जर्सी का नहीं, क्योंकि जर्सी का पिए तो रोग जास्ती होता है। हाँ, ध्यान इतना ही रखना। और गांव रानी गाय का भी एक स्थिति में दूध मूत्र नहीं पी सकते, वो स्थिति क्या है, जब ही गाय गर्भवती है तभी गांव रानी गाय का भी मूत्र नहीं पीना, अर्थात गाय की बाछड़ी का कभी भी पी सकते, ठीक है। तो ये थोड़ी सी सावधानी है। गोमूत्र रखने के लिए कांच की बाटली में भर के रख सकते हैं, कितने भी दिन पुराना हो तकलीफ नहीं, लेकिन बस इतना सावधानी कि ज्यादा पुराना गोमूत्र हो तो उसमें पानी मिला के पीना, और पीने के लिए वैसे सबसे अच्छा ताजा गोमूत्र लेना। तो ये छोटे छोटे कुछ सूत्र हैं जो आपके जीवन में आपको संपूर्ण निरोगी रखेंगे। तो निरोगी होना पहले जरूरी है, अगर रोग आया तो गोमूत्र, गोमूत्र के बाद स्वयंपाक घर की औषधि, ठीक है।